हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के हम अपने इस नए वीडियो में जीएसटी का पार्ट टू स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग मीनिंग, स्पेशल फीचर्स, बेनिफिट्स और कैलकुलेशंस के बारे में देखेंगे। जीएसटी का जो बेसिक पोर्शन था वो मैंने फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। और उस वीडियो में मैंने जीएसटी के बारे में जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो बेसिक डिटेल्स है, वो वहां पे मैंने डिस्कस किया था, ठीक है। बहुत ही डिटेल में वहां पे एक्सप्लेनेशन है। और ये हमारा पार्ट टू है, जिसमें मैं बेसिकली मीनिंग के पे फोकस करूंगा, फीचर्स पे, बेनिफिट्स पे और थोड़े से कैलकुलेशंस के बारे में है, ठीक है। तो हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए, समझ में आए, अच्छा लगे, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू सो मच, और नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मीनिंग स्टार्ट करते हैं, ओके। अब यहाँ पे समझो बात को। सबसे पहले देखो, जीएसटी का पार्ट वन अगर वीडियो आप लोगों ने देखा होगा तो ये वीडियो आप इजीली कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है, स्टार्टिंग के कुछ पोर्शंस। सो मेरा सजेशन है कि पहले पार्ट वन जरूर देख लेना आप लोग, ओके। तो यहाँ पे देखो, डिफरेंट टैक्सेस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट आर विदड्रॉन एंड गुड्स एंड सर्विसेज आर कवर्ड अंडर वन टैक्स। इफ यू रिमेम्बर, मैंने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि पहले क्या था, जब जीएसटी नहीं आया था उसके पहले क्या सिस्टम था कि हमारे कंट्री में अलग अलग टैक्सेस लगते थे, और बेसिकली जो टैक्सेस थे वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने अकॉर्डिंग टैक्सेस वसूल रही थी, राइट। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने सारे टैक्सेस को कैंसिल करके एक ही टैक्स बना दिया, ठीक है, और उस टैक्स का क्या नाम रखा गया, जीएसटी। बात समझ में आया कि पहले जितने भी टैक्सेस थे सारे टैक्सेस को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, और एक टैक्स बनाया था जिसका नाम हम लोगों ने रखा था गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, दैट इज जीएसटी, ओके। नाउ सी हियर, द टैक्स व्हिच इज एप्लीकेबल ऑन सप्लायर गुड्स एंड सर्विस इज नोन एज अ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इट्स एक्रोनिम फॉर्म इज जीएसटी। इसका यानी शॉर्ट फॉर्म क्या है, जीएसटी। अच्छा, एक चीज और याद रखना है कि दिस टैक्स इज एप्लीकेबल ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बेसिकली ये टैक्स कैलकुलेट कब करते हैं, जब हम गुड्स को सप्लाई करते हैं, यानी कि ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस इसमें कोई भी टाइप का टैक्स नहीं लगेगा। यानी कि जब तुम्हारा गुड्स फाइनल डिलीवरी करते हो तो फाइनल डिलीवरी के टाइम पे तुम्हारे ऊपर जो भी टैक्स लगता है वही टैक्स लगेगा, यानी सिर्फ एक बार कैलकुलेशन होता है, ठीक है। तो ये बेनिफिट हो गया था जीएसटी का। अब इसके बाद हम थोड़े फीचर्स के बारे में देख लेंगे, जीएसटी का फीचर्स क्या है, क्योंकि जब जीएसटी आया था तो लोगों ने बोला कि भाई क्या है जीएसटी, तो जीएसटी के कुछ फीचर्स है ना, कुछ इसके चीजें ऐसी बतानी पड़ी थी कि लोगों को हाँ जीएसटी अच्छा लगे, समझ में आए, या इसके बारे में लोगों को एक आइडिया लग जाए कि हाँ ये है जीएसटी। तो सबसे पहला पॉइंट जो समझाया गया था लोगों को वो क्या था कि दिस इज वन टैक्स। वन टैक्स का मतलब क्या है कि हमारे कंट्री में जितनी भी टैक्स हैं सारे टैक्सेस को कैंसिल करके सारे टैक्सेस को कहाँ कवर्ड कर दिया था, अंडर वन टैक्स ओनली। यानी बेनिफिट क्या होगा, वन नेशन वन टैक्स का जो हमारा नारा था, स्लोगन था, वो यहाँ पे अप्लाई हो गया कि सारे कंट्री में, हर स्टेट में, हर प्लेस में सिर्फ एक ही टैक्स लगेगा, एक ही तरह का कैलकुलेशन होगा, कोई टेंशन नहीं रहेगा। दूसरा चीज क्या बोला गया था, टैक्सेस कलेक्टेड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड कंप्लीशन ऑफ सर्विस। क्या बोला गया कि जो टैक्स है बेसिकली वो फाइनल गुड्स पे लगेगा, यानी कि जब तुम्हारा गुड्स पूरी तरह से सप्लाई हो जाएगा एंड कंप्लीट सर्विसेज, यानी जैसे कोई काम, कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो सर्विस पूरी, जैसे किसी होटल में गए खाना खाने के लिए, तो वहां पे होटल में खाना खाने के बाद जो फाइनल बिल बनता है तुम्हें पता है वहां पे सर्विस लगेगा, यानी वहां पे टैक्स पे करना है, ओके। इंस्टीड ऑफ टैक्स कलेक्शन ऑन प्रोडक्शन और सेल्स ऑफ गुड्स और प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विस। यहाँ ऐसा नहीं है कि सिर्फ थोड़ी बहुत सर्विस देंगे वहां पे कैलकुलेट कर लिया, या प्रोडक्शन कर रहे वहीं पे कर दिया, नहीं। इन लोगों ने क्या बोला कि फाइनल पे होगा। अब किस पे होगा, यानी कंप्लीशन पे और सप्लाई ऑफ गुड्स पे। तो ये दूसरा बेनिफिट था, यानी दूसरा इसका फीचर था। उसके बाद एक फीचर और क्या आया कि जीएसटी की अपनी खुद की काउंसिल होगी, यानी जीएसटी किसी की सुनेगा नहीं, जीएसटी की अपनी एक खुद का काउंसिल होगा जिसके अंडर सारे स्टेट वाले आ जाएंगे, यानी हर स्टेट से अपने अपने एक रिप्रेजेंटेटिव होंगे, और उनका हमारा जो फाइनेंस मिनिस्टर होंगे वो इसके क्या होंगे, चेयरमैन होंगे, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, किसी भी स्टेट को कोई प्रॉब्लम ना हो, ओके। तो यहाँ पे क्या बोला है, एंटायर ऑपरेशन रेगुलेशन ऑफ जीएसटी आर डन थ्रू जीएसटी काउंसिल, राइट, कि इसकी खुद की काउंसिल है, मतलब किसी को ऐसा नहीं फील होगा कि हमारे साथ कोई भेदभाव हो रहा है। एंड ईच स्टेट हैज अ रिप्रेजेंटेशन इन जीएसटी काउंसिल, और हर स्टेट का कोई एक पर्सन होगा जो अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा, यानी किसी स्टेट को ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि उनको कुछ फैसिलिटीज नहीं मिल रही है, या उनके साथ जीएसटी आने के बाद उनके साथ गलत हो रहा है, ओके। एंड द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ अ सेंटर वर्क्स एज अ चेयरमैन ऑफ दिस काउंसिल, यानी हमारे कंट्री के जो भी फाइनेंस मिनिस्टर होंगे वो उसके क्या होंगे, चेयरमैन। जैसे अभी हमारे सीतारमन जी हैं तो वो हमारी क्या है, चेयरमैन है, ठीक है। अब उसके बाद आगे देखते हैं,
आयोग इतना तो क्लियर हो गया है, ठीक है। तो इतना याद रखना है कि जीएसटी काउंसिल होगा और हर स्टेट का अपना एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, और उसके जो चेयरमैन होंगे वो कौन होंगे, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, यानी जो भी उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर होंगे वो होंगे। जैसे प्रेजेंट टाइम का मैंने बताया कि निर्मला सीतारमन जी हैं, तो वो हमारी क्या है, जीएसटी काउंसिल की मेंबर है, आई मीन चेयरमैन है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज जीएसटी रेट्स। अब देखो जीएसटी का मतलब ये क्या हो गया था, वन टैक्स हो गया था। जब वन टैक्स हो गया था इसका मतलब क्या होगा, ऑल जीएसटी रेट्स आर रिकमेंडेड बाय द जीएसटी काउंसिल्स, यानी जो भी रेट्स आएंगे, जो भी चीजें आएंगी वो कौन बनाएगा, काउंसिल बनाएगा। इससे बेनिफिट क्या होगा, सारे जगह रेट्स क्या होंगे, ऑलमोस्ट सेम होंगे। ओके, इंपोर्ट एंड जीएसटी, नाउ अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस आर ट्रीटेड एज अ इंटर स्टेट सप्लाई। जब भी देखो हम कंट्री से, जब किसी भी अदर कंट्री से जब हम गुड्स परचेस करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पोर्ट बोलते हैं, राइट। और पहले क्या होता था, जब हम इम्पोर्ट करते थे तो उस पर अलग तरह का टैक्स लगता था, लेकिन अभी क्या है, जब जीएसटी जब से आ गया है तब से उसको हम कैसा ट्रीट करते हैं, इंटर स्टेट सप्लाई ट्रीट करते हैं। तो एज पर इंटर स्टेट सप्लाई ही टैक्सेस के रूल्स अप्लाई होंगे। अभी ये इंटर स्टेट सप्लाई क्या है, इसके बारे में अभी मैं थोड़ी देर में बताने वाला हूँ, थोड़ा सा सब्र करो। ओके, नेक्स्ट है इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट में क्या है, जीएसटी पेड ऑन परचेस इज अलाउबल डिडक्शन फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब यहाँ पे समझो इसमें क्या कहा गया है कि परचेस के टाइम पे जो भी तुम जीएसटी पे करते हो, राइट, दैट विल बी नोन एज द इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब ध्यान से समझना कि जब तुम कोई गुड्स का परचेस करते हो तो उसमें तुम्हें क्या करना होगा, जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो वो जीएसटी जो तुम पे कर रहे हो उसको तुम डिडक्ट कहां से कर सकते हो, ये जब तुम सेल्स करोगे गुड का, ठीक है, यानी कि परचेस का तुम सेल में से माइनस करके जो भी डिफरेंस आएगा वो फाइनल डिफरेंस का ही तुम्हें सेटलमेंट करना होता है गवर्नमेंट से। ऐसे हर बार टैक्स नहीं पे करना है, जितना परचेस किया जितना सेल किया उनके बीच में जो भी टैक्सेस पे किया, यानी कितना तुमने रिसीव किया और कितना तुमने टैक्स पे किया, उन दोनों का जो फाइनल सेटलमेंट होगा वही तुम्हें करना होगा। दैट्स व्हाई ये लोग ने वर्ड यूज किया है कि यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। अभी इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसा है वो आगे हम लोग देखेंगे, तो उसका टेंशन नहीं लेना, ठीक है। जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो उसका हम सॉल्यूशन भी देखेंगे कि ये सब कैसे अप्लाई होता है। उसके बाद नेक्स्ट है टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन। एन एप्रोप्रिएट टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इज मेड अवेलेबल इन दिस टैक्स। देखो अब इसमें बेनिफिट क्या था कि पहले जो भी टैक्सेस होते थे, अगर स्टेट का है तो स्टेट को मिलता, सेंट्रल का है तो सेंट्रल को मिलता, पर अब क्या बोला कि जो भी टैक्सेस होंगे वो दोनों में क्लियरली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ठीक है, किसके बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में। इससे क्या है, किसी भी स्टेट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और हर स्टेट को कुछ ना कुछ पैसे कंटिन्यू बेसिस पे मिलते रहेंगे, राइट। नेक्स्ट वन है टैक्स डिटर्मिनेशन। All tax rates on goods and supply are determined on the basis of heads of goods and services. और यहाँ पे अभी ये question arise होता है कि sir tax कौन से basis पे लगेंगे, तो हर goods की category बनाई गई है, ठीक है, और पांच category बनाई गई है कि कौन सा, जैसे कहते हैं ना कि luxurious good है, need goods है, या regular life की goods है, तो ऐसे से अलग अलग categories बनाई है और उन categories के base पे टैक्स रेट डिसाइड हुआ है, राइट। तो इससे बेनिफिट ये होगा, अगर जैसे मान लो मैं टीवी सूरत में परचेस कराओ या अहमदाबाद में परचेस करता या मुंबई में या मान लो कि भोपाल में, इंदौर में, हर जगह प्राइस जो होंगे वो सेम ही होंगे। ओके, आई होप कि ये पॉइंट क्लियर है। अब नेक्स्ट है प्री डिटरमाइंड टैक्स रेट स्ट्रक्चर। फॉर एप्लीकेबल टैक्स रेट्स प्री डिटरमाइंड टैक्स स्ट्रक्चर इज मेड अवेलेबल। हमें पता है कि जीएसटी, देयर इज अ वन जीएसटी काउंसिल, एंड जीएसटी काउंसिल जो है हमें टैक्स रेट प्रोवाइड करी, सो बेनिफिट क्या इसका है कि हमें ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड टैक्स स्ट्रक्चर हमें ऑलरेडी अवेलेबल हो जाता है, राइट। इन फाइव जीएसटी एक्ट्स, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जीएसटी फाइव एक्ट्स आर पास्ड। ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था, यानी पार्ट वन में देखा था कि गवर्नमेंट ने जीएसटी के टाइम पे पांच एक्ट बनाए थे जीएसटी के, कि हर एक्ट मतलब जैसे स्टेट का सीजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, ये ऐसे अलग अलग करके पांच एक्ट गवर्नमेंट ने पास किए थे जीएसटी से रिलेटेड, और उनके बारे में पार्ट वन में हम लोगों ने डिस्कशन किया था, राइट। तो ये था हम लोगों का ये फीचर्स, राइट। और लास्ट फीचर्स क्या दिया हुआ है, जीएसटी लॉज, रूल्स, प्रोसीजर एंड रेट्स ऑफ टैक्सेस आर सिमिलर अक्रॉस द कंट्री। देखो मैंने पहले ही कहा कि वन नेशन वन टैक्स, इसका मतलब क्या है कि जब हम ये जीएसटी अप्लाई किए तो जीएसटी अप्लाई करने के बाद लॉज, रूल्स एंड प्रोसीजर, रेट ऑफ टैक्सेस पूरे कंट्री में, जैसे मैंने कहा ना कि अगर कोई गुड्स से अगर मैं सूरत में परचेस करूँ या अहमदाबाद में परचेस करूँ या मुंबई में या मैं कहीं और भी पुणे कहीं भी परचेस करता हूँ, तो रूल्स एंड रेगुलेशन सेम है, प्रोसीजर सेम है। इसका बेनिफिट क्या हुआ, कंट्री में क्या आ गया, यूनिफॉर्मिटी आ गया कि हर जगह एक ही तरह का टैक्स अप्लाई हो रहा है, इसलिए प्राइसेस भी ऑलमोस्ट क्या हो गए, सेम हो गए।
कुछ चीजों पे टैक्स नहीं लगता है तो वहां पे नहीं है, जैसे कि पेट्रोल और एल्कोहल है, तो पेट्रोल और एल्कोहल तुम्हें पता है ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्राइस पे मिलता है। जैसे अभी तुम लोगों ने सुना होगा कि जब लॉकडाउन था तो उस टाइम पे कुछ स्टेट्स में अल्कोहल की प्राइस 10 गुना बढ़ा दिया था, राइट, ताकि कंट्रोल कर सके। तो अब उसमें क्या था, देखो 10 गुना बढ़ा दिया तो हर स्टेट में थोड़ी बढ़ाया था। तो ये क्या है, ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जिसपे टैक्स नहीं लगता है, राइट। तो ये तुम्हें याद रखना है कि जिन पे भी टैक्स लगता है उनकी जो प्राइस है वो हर मतलब पूरे कंट्री में क्या होगा, सेम होगा। दैट्स व्हाई इन लोगों ने बोला यूनिफॉर्मिटी। और जिसपे टैक्स नहीं अप्लाई होता वो हर लोग अपना, हर स्टेट वाले अपने अपने हिसाब से प्राइस सेट करते हैं, जैसे स्पेशली एल्कोहल एंड पेट्रोल। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। अभी ये नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें क्या है कि द टर्मिनोलॉजी ऑफ सप्लाई इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ रूल ऑफ गुड्स एंड सर्विस और बोथ। अब यहाँ पे समझो क्या हम सीखने वाले हैं, द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ आर सप्लाइड। देखो हम किसी भी गुड्स का सप्लाई दो तरह से करते हैं, या तो विद इन स्टेट होगा या आउटसाइड द स्टेट होगा। मतलब क्या है, या तो कंट्री के सॉरी स्टेट के अंदर ही सप्लाई करोगे, या तो यूनियन टेरिटरीज के अंदर ही होगा, या तो उसके बाहर होगा। जैसे मैं बात करूं, अगर मैं गुजरात में हूँ, ठीक है, मैंने गुजरात टू गुजरात ट्रांजेक्शन किया, तो दैट विल बी अंडर द विद इन द स्टेट, राइट। और आउटसाइड द स्टेट का मतलब कि अगर मैं गुजरात में हूँ और मैंने कोई प्रोडक्ट है वो मैंने मध्य प्रदेश में ट्रांसफर किया एमपी में, तो ये क्या हो गया, इंटर स्टेट। इसको क्या नाम देंगे, आउटसाइड द स्टेट, ठीक है। अब इसके एक छोटा सा चार्ट है, वो चार्ट हम देख लेते हैं कि चार्ट में क्या एक्सप्लेन्ड है, फिर इसको मैं अच्छे से तुम्हें डिटेल में समझाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। अब ये कैसे होता है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, जैसा मैंने कहा कि सप्लाई विद इन द स्टेट या यूनियन टेरिटरी, ठीक है, विद इन ऑन स्टेट या यूनियन टेरिटरी, इसको हम क्या नाम देते हैं, इंटर स्टेट सप्लाई। याद रखना इसको हमने क्या नाम दिया है, इंटर स्टेट सप्लाई। ओके, और सप्लाई आउट ऑफ द स्टेट इसको हमने क्या नाम दिया, सॉरी इसको इंट्रा है, सॉरी माय मिस्टेक, ये क्या है, इंट्रा है। ओके, ये क्या है, इंट्रा स्टेट सप्लाई। और अगर आउटसाइड द स्टेट है, आउट ऑफ द स्टेट है, उसको क्या नाम दिया हुआ, इंटर स्टेट सप्लाई। ये दो चीजें याद रखनी है। और अगर इंट्रा स्टेट होगा तो इंट्रा स्टेट में दो चीजें कैलकुलेट करते, एक सीजीएसटी होता है और एक एसजीएसटी होता है। मतलब क्या है, सीजीएसटी और एसजीएसटी, ठीक है, ये लेवाइबल टैक्सेस है। और जब हम इंटर स्टेट की बात करते हैं, इंटर स्टेट का मतलब क्या, सप्लाई आउट ऑफ द स्टेट। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में कहा कि मैं गुजरात से मैं एमपी में जाता हूँ, अगर मैं अपने गुड्स एमपी में सप्लाई करता हूं तो कौन से टैक्स अप्लाई होंगे, आईजीएसटी। ओके, आई होप कि दोनों पॉइंट क्लियर है। इसका एक छोटा सा चार्ट है, वो मैं भी तुम्हें एग्जांपल देके एक्सप्लेन करता हूं, तो ये और थोड़ा समझ में आ जाएगा। ओके, अब ध्यान से समझो, जैसे कि ये मैं हूं, ठीक है, और मैं हूं बेसिकली गुजरात में। ओके, अब ध्यान से समझना कि अगर मैं गुजरात में हूँ, ठीक है, और गुजरात से मैंने मतलब मैं गुजरात में एक चलो स्पेसिफिक प्लेस सिलेक्ट करता हूँ, जैसे मैं सूरत में हूँ, ठीक है, और सूरत से मैंने गुड्स सप्लाई किया अहमदाबाद, ठीक है, मैंने कहां सप्लाई किया, अहमदाबाद में, ये एक हो गया। और वहीं एक गुड्स मैंने सप्लाई किया था भोपाल में। अब ध्यान से समझना, यानी दो अलग अलग प्लेसेस पे मैंने गुड्स सप्लाई किया है, एक है भोपाल और एक है अहमदाबाद। तो ये जो भोपाल वाला है इसको मैं नाम दूंगा इंटर स्टेट। क्या नाम दूंगा, इंटर स्टेट। क्यों इंटर स्टेट नाम दिया, क्योंकि ये गुजरात के आउटसाइड है, भोपाल कहां, एमपी में हो जाएगा, तो ये क्या, आउटसाइड द स्टेट हो गया। और अहमदाबाद जो है वो गुजरात में ही है, तो इसको क्या नाम दूंगा मैं, इंट्रा स्टेट, ठीक है। तो ये दो चीजें याद रखनी है, बात समझ में आ गया। अब ध्यान से समझो, जब भी इंट्रा स्टेट होगा तो जो जीएसटी कैलकुलेशन होगा, ठीक है, जो भी जीएसटी कैलकुलेशन होगा उस जीएसटी को हम क्या करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ओके, कौन से पार्ट में, दो पार्ट में, एक हो जाएगा सीजीएसटी और एक हो जाएगा एसजीएसटी। और अगर यूनियन टेरिटरी है तो हो जाएगा यूटीजीएसटी। ओके, यूटीजीएसटी, ठीक है। और अगर इंटर स्टेट है, जैसे गुजरात के बाहर है, तो सिर्फ एक ही जीएसटी कैलकुलेशन होगा और वो क्या होगा हमारा, आईजीएसटी, ठीक है। आई होप कि ये दोनों चीजें क्लियर है, ठीक है। ये छोटा सा चार्ट है, इसको अच्छे से याद रखना, ये पूरा तुम्हें एक्सप्लेन कर देगा कि इंट्रा स्टेट होगा मतलब विद इन द स्टेट, एंड इंटर स्टेट होगा मतलब आउटसाइड द स्टेट। और इंट्रा स्टेट होगा तो दो कैलकुलेशन होगा, एक सीजीएसटी और एसजीएसटी, या तो डिपेंड करता है यूटीजीएसटी। और इंटर स्टेट होगा तो सिर्फ एक ही कैलकुलेशन होगा जिसका नाम है आईजीएसटी, ठीक है। तो ये चीजें याद रखनी है। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक देखो,
अब छोटा सा एग्जांपल है, मैं एक्सप्लेन करूंगा जो कैलकुलेशन पार्ट है, तो तुम्हें थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि विद इन स्टेट और आउटसाइड स्टेट का कैसे कैलकुलेशन करना है। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं छोटा सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ तो बेटर होगा। ओके, ये दो एक्सप्लेन करना, एक विद इन स्टेट वाला यानी विद इन, ठीक है, ऑन स्टेट या यूनियन टेरिटरी, तो उस टाइम पे कैलकुलेशन कैसे होगा वो देख लो। देखो, अंडर दिस कैटेगरी ऑफ सप्लाई परचेज द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, एक मिनट, द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बोथ आर कन्फाइंड टू ऑन स्टेट और ऑन यूनियन टेरिटरीज। तुम्हें याद रखना है कि वेन वी आर टॉकिंग अबाउट विद इन ऑन स्टेट लाइक इंट्रा स्टेट, तो ये क्या होगा, कन्फाइंड टू ऑन स्टेट ओनली, ठीक है, ये सिर्फ अपने स्टेट की बात कर रहा है। In this case of supply, two types of taxes are collected. मैंने कहा ना CGST और SGST. अब example देता हूँ, calculation करके समझाता हूँ कैसे ये collect करेंगे। तो एक छोटा सा example है, मैं लिख देता हूँ वो example. जैसे assume करो कि एक goods sold किया है, ठीक है, goods sold from Surat to Ahmedabad, ठीक है, गुड्स सोल्ड टू अहमदाबाद ऑफ रुपीज 10,000 और जीएसटी का रेट है एट द रेट ऑफ 12% जीएसटी, ठीक है, ये मैंने रैंडमली ले लिया है एट द रेट ऑफ 12% जीएसटी रेट, ठीक है। अब ध्यान से समझो तो इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, ये पहले समझो कि कहां से कहां तक है। ये सूरत से अहमदाबाद है, ठीक है, अगर ये सूरत से अहमदाबाद है तो इसका मतलब ये कौन सा टैक्स हो जाएगा, इस पे कौन सा टैक्स अप्लाई होगा, ये हो जाएगा हमारा इंट्रा स्टेट, इंट्रा स्टेट विद इन द स्टेट। तो मैंने कहा था जब विद इन स्टेट होगा तो सीजीएसटी और एसजीएसटी अलग अलग कैलकुलेशन होगा, और उसका चार्ट मैंने यहाँ पे देखो, ये रहा मैंने यहाँ पे बना के दिखाया तुम लोगों को कि ये कैसे होगा, दो कैलकुलेशन, सीजीएसटी अलग और एसजीएसटी अलग। तो कैसे करना है इसका वो समझो, यहाँ पे मैंने जो एग्जाम्पल लिया उसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखो जैसे कि ये 10,000 है, तो 10,000 का 12% कैलकुलेशन करोगे तो ये कितना आएगा, 1200 आएगा, तो ये हो गया तुम्हारा टोटल जीएसटी, सॉरी 1200 होना चाहिए, ये क्या हो जाएगा 1200 तुम्हारा टोटल जीएसटी। अब ये जीएसटी पे कैसे करना है, तो ध्यान से समझो, हम इस जीएसटी को दो पार्ट में पे करने वाले हैं, कैसे, दो पार्ट में, एक हो जाएगा सीजीएसटी और एक हो जाएगा हमारा एसजीएसटी, ठीक है, और अगर यूनियन टेरिटरी होगा तो यूटी जीएसटी लिखना है, बस ये याद रखना है। तो सर ये 1200 को पे कैसे करोगे, तो 1200 का जो 50% होगा, याद रखना कि 50% यानी 50% मतलब 600 यहाँ पे और 600 यहाँ पे, ठीक है, ये 600, ओके, ये परसेंटेज नहीं है, 600 अमाउंट है। तो ऐसे याद रखना है कि जो भी टैक्स होगा उसका आधा आधा, आधा सेंट्रल को मिलेगा और आधा स्टेट को मिलेगा, ओके। 12% है तो ऐसे समझ सकते हैं, तो 6% इधर और 6% इधर, या डायरेक्टली अमाउंट का आधा आधा कर सकते हो, ठीक है। तो ये था किसके बारे में, ये था हमारा इंट्रा स्टेट यानी विद इन द स्टेट, ठीक है, याद रखना है नाम सूरत टू अहमदाबाद, ओके। अब दूसरा वाला समझते हैं कि दूसरे वाले के बारे में क्या है, पहले थोड़ा सा इसका आगे का थियरी देख लेते हैं तो आइडिया और मिलेगा। एक याद रखना, एनी सप्लाई ऑफ गुड सर्विस और बोथ डन बाय द स्टेट यूनियन टेरिटरी इन देयर ओन जियोग्राफिकल टेरिटरीज, ठीक है, याद रखना कि अगर वो खुद के जियोग्राफिकल, यानी मैं कई बार बोला, मैंने हर बार यही रिपीट कर रहा हूँ कि अगर वो खुद के ही स्टेट में सप्लाई कर रहे हैं, देन जीएसटी कलेक्टेड ऑन सच सप्लाई डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, याद रखना कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इक्वली बिटवीन द सीजीएसटी यानी सेंट्रल एंड एसजीएस यानी स्टेट गवर्नमेंट और यूटीजीएसटी यानी यूनियन टेरिटरीज। अगर यूनियन टेरिटरीज होगा, जैसे कि मान लो ये अगर मैं चंडीगढ़ को चंडीगढ़ कर रहा हूँ, ठीक है, चंडीगढ़ में ही मैं कहीं अगर सप्लाई कर रहा हूँ तो यूटीजीएसटी, जैसे अंडमान निकोबार दिल्ली, तो अगर ऐसे जगहों पे मैं सप्लाई की बात कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, यूटीजीएसटी अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं सप्लाई आउटसाइड द स्टेट, आउटसाइड द स्टेट या यूनियन टेरिटरीज, सर इसमें अब कैसे होगा, अब ध्यान से समझना। अंडर दिस कैटेगरी ऑफ सप्लाई द सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस और बोथ आर आउटसाइड ऑफ ऑन स्टेट, तो यही कीवर्ड है कि आउटसाइड ऑफ ऑन स्टेट। इन द केस ऑफ सप्लाई ओनली वन टाइप ऑफ टैक्सेस लेवाइड और कलेक्टेड, याद रखना कि इन दिस सिचुएशन ओनली वन टाइप ऑफ टैक्सेस कलेक्टेड, द जीएसटी इज नोन एज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि इन शॉर्ट आईजीएसटी। याद रखना कि जब आउटसाइड ऑफ ओन स्टेट होगा तो ओनली वन टाइप ऑफ टैक्स विल बी कैलकुलेटेड, ठीक है, ओनली वन टाइप ऑफ टैक्स एंड दैट टैक्स विल बी नोन एज आईजीएसटी, ठीक है। इसका मैं कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल है, एग्जांपल को पहले मैं लिख के दिखाता हूँ फिर तुम्हें समझ में आएगा, ओके। तो जैसे यहाँ पे है, एज्यूम करो
रुपीज 1000 ऑफ 1000 10000 ही कर देता हूँ, रुपीज 10000 ऑफ गुड्स सोल्ड फ्रॉम सूरत टू मुंबई, ठीक है, सूरत टू मुंबई एट द रेट ऑफ 12% जीएसटी। अब ध्यान से समझो, ये सूरत टू मुंबई है, तो मुंबई तुम्हें पता है ये अलग स्टेट है, यानी ये महाराष्ट्र है और ये गुजरात है, तो ये क्या हो गया, एक अलग स्टेट हो गया, ठीक है। सूरत टू महाराष्ट्र अगर जा रहे हो तो पूरा स्टेट अलग हो गया। जब स्टेट अलग हो गया तो कैलकुलेशन कैसे करोगे, सबसे पहले तुम क्या करो कि जो तुम्हें तुम्हारा टैक्स है वो कैलकुलेशन कर लो। तो 10,000 का 12% कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। तो ये तो हो गया तुम्हारा जीएसटी। सर अभी इसको कैसे डिवाइड करोगे, तो जीएसटी का जो मैंने कहा था, जीएसटी सिर्फ एक ही पार्ट्स में डिवाइड होता है, और जिसको हम क्या बोलते हैं, आईजीएसटी, ठीक है। क्या हो जाएगा ये, आईजीएसटी। और याद रखना, जो भी आईजीएसटी टैक्स होगा वो कहां जाता है, इंटायर टैक्स, यानी जो भी टैक्स है वो पूरा का पूरा किसको मिलेगा, इंटायर टैक्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, इंटायर टैक्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट। ये याद रखना है, मेन चीज ये है कि अगर आउटसाइड द स्टेट है, यानी जैसे गुजरात टू महाराष्ट्र है, तो जो भी जीएसटी कैलकुलेशन होगा वो पूरा का पूरा टैक्स किसको मिल जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल को दिमाग में अपने रखना, तो तुम्हें पूरा क्लियर हो जाएगा ये सीजीएसटी और आईजीएसटी का कैलकुलेशन का पॉइंट, ठीक है। तो अब इसी के साथ थोड़ा सा जो इसका थ्योरी पोर्शन है वो भी कंप्लीट कर लेते हैं कि इसमें क्या लिखा है, क्या लिखा है, देखो डिटेल्स ऑफ अच्छा हो गया है, तो डिटेल्स ऑफ एप्लीकेशन एप्लीकेबल जीएसटी फॉर एक्विजिशन एंड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस और बोथ, ये थोड़ा मैंने ऐड किया था बट ये बहुत ही ब्लर हो गया है, तो मैं जो चीजें लिख रहा हूँ, आई मीन जो चीजें मैं बोलूंगा ना उसको ही सुनना, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ऐसा होगा तो नहीं, ये इसमें नहीं चलेगा, तो मैं खुद ही बता देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ साइड में एक छोटा सा बॉक्स बना दे रहा हूँ इसकी जगह पे, और एक्सप्लेन भी कर देता हूँ साथ में, बस थोड़ा फोकस बना के रखना, ओके, हाँ ठीक है। तो देखो सबसे पहले कि जो सीजीएसटी और एसजीएसटी वाला खेल है, सप्लाई है, ये इसका थोड़ा एक और चीज समझना है जो बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले यहाँ पे एक कॉलम बना देता हूँ मैं ट्रांजेक्शन का, ठीक है। और ट्रांजेक्शन के नाम पे बेसिकली दो ही होगा, या तो तुम एक्विजिशन करोगे, एक्विजिशन का मतलब क्या होता है, एक्विजिशन का मतलब तुम या तो परचेस करोगे या आई मीन तुम्हें मिलेगा, ठीक है, ओके। परचेस ऑफ क्या होगा, या तो गुड्स परचेस करोगे या तो सर्विस परचेस करोगे, ओके, या तो दोनों, ये एक केस होगा, ठीक है। और दूसरा केस क्या होगा, दूसरा होगा सप्लाई, सप्लाई का मतलब सेल, ठीक है, सप्लाई का मतलब बोल सकता हूँ ना, मैं सेल कर रहा हूँ, किसका सेल करूंगा मैं, तो सेल ऑफ गुड्स, या तो गुड्स का सेल करूंगा मैं या तो सर्विस का, और या तो मैं दोनों का, इट मे पॉसिबल कि मैं दोनों सेल कर रहा हूँ। तो अब ऐसे सिचुएशन में जो कैलकुलेशन होगा उसमें कुछ चीजें याद रखनी है, ठीक है, कुछ चीजें याद रखनी है, वो क्या है वो देखो। सबसे पहले यहाँ पे याद रखना है कि सप्लाई क्या याद रखना है, कि सप्लाई विद इन ऑन स्टेट, ठीक है, विद इन ऑन स्टेट या यूनियन टेरिटरी, तो मैं डायरेक्टली यूटी लिख देता हूँ, ओके, यूनियन टेरिटरी, ठीक है, जिसको हम लोग नाम क्या दिए थे, इंट्रा, हम लोग क्या नाम दिए थे जिसको, इंट्रा, ये याद रखना, ओके। तो अब ऐसे केस में जो कैलकुलेशन होता है उसकी दो चीजें मिलती हैं, एक होता है इनपुट जीएसटी, क्या होता है, इनपुट जीएसटी, ये थोड़ा याद रखना, क्या होगा, इनपुट सीजीएसटी, ठीक है, और दूसरा क्या होगा, इनपुट SGST या तो UTGST। अब ये क्या खेल है वो समझो, देखो जब भी तुम इंट्रा स्टेट का ट्रांजेक्शन करते हो, इंट्रा स्टेट का मतलब खुद के स्टेट में, ऑन स्टेट में, तो ट्रांजेक्शन कैसा होना चाहिए, एक्विजिशन होना चाहिए, एक्विजिशन का मतलब क्या, परचेस करना, किसी भी सर्विस को या गुड्स को परचेस करते हो तो उसपे तुम्हें क्रेडिट मिलेगा, क्या मिलेगा, किस चीज का क्रेडिट मिलेगा, इनपुट, इनपुट का मतलब क्या है कि उसके उसमें तुम्हें टैक्स पे करना है, ठीक है, तो उसपे तुम्हें इनपुट मिलता है, और वो इनपुट को दो पार्ट में डिवाइड करना, एक सीजीएसटी में और एक एसजीएसटी में। सर ये सीजीएसटी और एसजीएसटी कैसे डिवाइड करेंगे, अभी ये जो ऊपर कैलकुलेशन वाला मैंने समझाया ना, ये रहा, इसी को इनपुट लगा देना, यानी कि ये इनपुट हो जाएगा तुम्हें, ठीक है, ये इनपुट सीजीएसटी हो गया और ये इनपुट
एसजीएसटी होगा, कब, जब तुम परचेस करोगे। लेकिन यहाँ पे क्या किया, सेल किया है, तो सेल के सिचुएशन में क्या हो जाएगा, ये आउटपुट हो जाएगा, बस यही तुम्हें याद रखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आउटपुट का यानी सेल का भी तुम्हें लिख के दिखा देता हूँ कि अगर तुम सेल करते हो, सेल कहाँ कर रहे हो, इंट्रा वाले में कर रहे हो, तो इंट्रा वाले में कर रहे हो तो दो चीजें होंगी, एक हो जाएगा आउटपुट सीजीएसटी होगा और एक आउटपुट एसजीएसटी होगा, यानी जो कैलकुलेशन है बस वही हमारा सीजीएसटी और यूजीएसटी के नाम के साथ हमें इनपुट और आउटपुट लगाना है। तो हमें याद क्या रखना है, इनपुट किसके साथ आएगा, जब हम परचेस या हम एक्विजिशन की बात करेंगे, और आउटपुट किसके साथ आएगा, जब हम सेल और सप्लाई की बात करते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हें याद क्यों रखना है, जब हम क्वेश्चंस करेंगे, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे, तो वहां पे इनपुट और आउटपुट वर्ड लिखा होगा, तो इनपुट और आउटपुट वर्ड से हमें पता करना होगा कि ये परचेस है या सेल है, या परचेस और सेल लिखा होगा तो उसके बेस पे हमें लिखना पड़ता है कि इसमें इनपुट लिखना है कि आउटपुट लिखना है। तो उसके लिए तुम्हें पता होना चाहिए कि परचेस के लिए इनपुट वर्ड यूज करते हैं और सेल के लिए आउटपुट वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, याद रखना कि किसी भी केस में अगर तुमने कोई भी सर्विस परचेस किया, जैसे कि अगर मैं किसी होटल में जा रहा हूँ, ठीक है, वहां पे मैंने कुछ सर्विस ली है, तो वो भी क्या हो जाएगा, परचेस ऑफ सर्विस हो जाएगा, या मेरे कंपनी में कोई इंप्लॉई काम कर रहा है, उससे मैंने सर्विस ली और उसके बदले में उसको सैलरी दिया, तो वहां पे भी क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा, राइट। और अगर मान लो मैंने किसी से कोई कमीशन चार्ज, मतलब किसी से कोई काम लिया और उसको मैंने कमीशन पे किया, तो भी वहां पे क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से याद रखना है, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो और भी चीजें तुम्हें क्लियर हो जाएंगी। अब दूसरी बात, ये तो विद इन स्टेट था, अब क्या है, आउटसाइड स्टेट है, क्या है, आउटसाइड स्टेट है। तो जब आउटसाइड स्टेट होगा तो याद रखना, मैंने कहा था आउटसाइड स्टेट का मतलब क्या होता है, इंटर, और इंटर में सिर्फ आईजीएसटी आता है, क्या आता है, सिर्फ आईजीएसटी आता है ना, तो मैंने यही बताया था सिर्फ आईजीएसटी आता है, यानी कि जब परचेस वाला सिस्टम होगा तो उसके अंदर इनपुट आईजीएसटी हो जाएगा, और जब सेल वाला होगा तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, आउटपुट आईजीएसटी हो जाएगा। तो ये चार्ट है, इस चार्ट को अच्छे से याद रख लेना, तो पूरा याद हो जाएगा कि इनपुट और आउटपुट कब लगाना है, कब नहीं लगाना है। ओके, ठीक है, और सीजीएसटी और एसजीएसटी का खेल क्लियर हो जाएगा। ये नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट है बेनिफिट्स, यानी फाइनल इसका टॉपिक जो है वो क्या है, बेनिफिट है। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि बेनिफिट क्या हुआ जीएसटी के आने की वजह से। अभी क्योंकि सवाल होता है ना कि सर जीएसटी आया गया तो जीएसटी से बेनिफिट क्या हुआ, तो उसके बेनिफिट के बारे में यहाँ पे इतने सारे टैक्स तो पहले से ही थे, तो जीएसटी क्यों लाया गया, तो जीएसटी लाने से फायदा क्या हुआ, इन प्लेस ऑफ डिफरेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, दिस टैक्सेस आर सबसम्ड इन वन टैक्स, वन टैक्स ओनली, एंड दैट इज अ जीएसटी। यानी तुम्हें पता है, हमने जो फर्स्ट वीडियो पढ़ा था उसमें मैंने कहा था कि हम हमारे कंट्री में अलग अलग टैक्सेस लगते थे, और वो सारे टैक्सेस के बारे में मैंने वहां डिस्कस किया था, तो वो सारे टैक्सेस को क्या कर दिया गया, सबसम कर दिया, यानी कि सारे टैक्सेस को किसमें ऐड कर दिया था, जीएसटी में ऐड कर दिया था। तो क्या बेनिफिट हो गया, सारे कंट्री में हर जगह एक ही टैक्स अप्लाई होगा। दूसरा चीज, सिंपल टैक्स बेनिफिट। अब देखो ध्यान से समझो इस बात को, इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम बिकम्स वेरी सिंपल ड्यू टू एलिमिनेशन और विड्रॉवल ऑफ डिफरेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब तुम्हें पता है जितने टैक्स उतने रूल्स उतने रेगुलेशंस, ठीक है, उनको फिर तोड़ने वालों के लिए उतने रूल्स उतने रेगुलेशंस। तो कहने का मतलब क्या, बहुत सारी डिफिकल्टीज थी, बहुत सारा प्रॉब्लम था, तो क्या किया इन लोगों ने, जब सारे टैक्स को हटा दिया, यानी जो हमारा टैक्स सिस्टम है वो भी क्या हो गया, सिंपल हो गया। बात समझ में आया। अब उसके बाद रिमूवल ऑफ डबल टैक्सेशन। देखो, बिफोर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, टैक्स पेयर्स हैड टू पे डबल टैक्सेस व्हिच आर रिमूव्ड अंडर जीएसटी। पहले क्या होता था कि जो गुड्स है उस पर टैक्स कैलकुलेट होता था, उसके बाद जब हम कहीं और सप्लाई करते थे तो वहां वाले भी टैक्स कैलकुलेट कर लेते थे, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता था कि डबल टैक्सेशन लग जाता, जिसको हम लोग कास्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं, यानी टैक्स पे टैक्स कैलकुलेशन हो जाता था, लेकिन जीएसटी के आने की वजह से वो सिस्टम खत्म हो गया, ठीक है। तो ये दूसरा बेनिफिट है हमारा। आई होप कि ये दोनों चीजें क्लियर हो गई हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ प्राइस रिडक्शन। अब ध्यान से समझो, जीएसटी इंप्लीमेंटेशन हैज अ ब्रॉड प्राइस रिडक्शन इन द गुड्स एंड सर्विसेज। देखो, हर स्टेट में हर प्लेस पे एक ही रेट है, एक ही भाव चलेगा। तो अब इससे बेनिफिट क्या हुआ कि जो कुछ गुड्स थी, जो हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड गुड्स थे, वहां पे जब हर जगह एक ही टैक्स है, तो उसकी वजह से जो प्राइस था वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, ठीक है। नहीं तो लोग अपने हिसाब से प्राइस चार्ज करते थे, अपने हिसाब से टैक्स लगाते, नाम दे देते कि हमने वहां पे इतना सारा टैक्स भरा है। लेकिन अब हमें पता है कि टैक्सेस तो हट गए हैं सारे, यानी कि क्या हुआ कि कुछ गुड्स के प्राइस जो थे वो क्या हो गए थे, रिड्यूस हो गए थे। आई होप कि ये दोनों चीजें क्लियर हो गई है। उसके बाद यूनिफॉर्म प्राइसेस। अब देखो, जब हर जगह टैक्स एक ही है, तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि यूनिफॉर्म प्राइसेस होंगी अक्रॉस द नेशंस, ठीक है। नेक्स्ट है रिडक्शन इन टैक्स इवेजन। देखो, there is a reduction in size of tax evasion and tax system has got success to establish
ट्रांसपेरेंसी। अब सवाल होता है कि सर ये कैसे हुआ? अब तुम्हें पता होगा कि अगर तुम्हें टैक्स बेनिफिट लेना है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा ना इनपुट और आउटपुट क्रेडिट वाला, तो जब तुम्हें इनपुट और आउटपुट का बेनिफिट लेना होगा तो उसके लिए तुम्हें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, तुम्हें बताना पड़ेगा कि सर मैं भी हूँ, मैं भी टैक्स भर रहा हूँ, है ना, गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा। तो जब तुम गवर्नमेंट को बताओगे कि तुम भी टैक्स वाले हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब तुम भाग नहीं सकते हो। अब जब तुम भाग नहीं सकते हो, इसका मतलब क्या हुआ, जो लोग टैक्स इवेस करते थे, मतलब टैक्स नहीं देते थे, वो टैक्स वो सिस्टम ही खत्म हो गया। क्योंकि अब तुम्हें अगर बेनिफिट चाहिए, अगर तुम्हें बेनिफिट चाहिए टैक्स का, तो तुम्हें रजिस्टर करवाना पड़ेगा, यानी तुम्हें गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा, और इसका बेनिफिट हमें इस सिस्टम में हुआ है, राइट। अब नेक्स्ट है टैक्स इनपुट क्रेडिट। अब यहाँ पे देखो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, जीएसटी पेड ऑन परचेस इज डिडक्टेड फ्रॉम जीएसटी पेबल ऑन सेल्स। देखो जो भी हमारे परचेस पे चार्ज लगा था, उसका बेनिफिट मैं सेल्स पे ले सकता, नहीं, जिसको हम लोग बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। हेंस नेट अमाउंट ऑफ जीएसटी पेबल बाय द टैक्स पेयर। इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया ना कि जब जो भी हमारा टैक्स होता है, जैसे इनपुट पे कुछ टैक्स होगा, मतलब कि परचेस पे कुछ टैक्स होगा और सेल्स पे कुछ टैक्स होगा, तो परचेस और सेल्स पे दो अलग अलग जगह टैक्स है, तो एक टैक्स हमें मिलने वाला है और एक टैक्स हम पे करने वाले हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया कि जीएसटी के आने की वजह से हम क्या करते हैं, सिर्फ डिफरेंस की अमाउंट पे करते हैं, यानी कैलकुलेशन करते हैं, और जो नेट अमाउंट होगा, नेट अमाउंट का मतलब डिफरेंस की अमाउंट, ठीक है, जो डिफरेंस का अमाउंट होगा बस वही हम लोग क्या करते हैं, पे करते हैं। आई होप कि ये चीजें क्लियर हो गई। उसके बाद है यूजफुल फॉर इकोनॉमी, इकोनॉमी ऑफ द नेशन गेट्स स्टेबल। अब हर जगह एक ही सिस्टम है, तो इससे क्या कंट्री क्या होगी, स्टेबल होगी, हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो क्या होगा, स्टेबल होगा। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, सी बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ रीजन वुड टेक प्लेस एंड कंसिक्वेंटली रीजनल इनबैलेंस वुड रिड्यूस। अब देखो जो पहले लोग टैक्स नहीं भरते तब उन्हें भी टैक्स भरना पड़ रहा है, और क्लियरली पता चल रहा है कि स्टेट का टैक्स कितना है, एसजीएसटी कितना है, यूटीजीएसटी कितना है। तो जब ये सारी चीजें क्लियर पता चल रही हैं, यानी हर प्लेस को अपना अपना प्रॉपर टैक्स मिल रहा है, जब उनको अपना अपना प्रॉपर टैक्स, उनको अपने अपने पैसे मिल रहे हैं, सो देयर विल बी डेवलपमेंट ऑफ रीजन, राइट। जब डेवलपमेंट होगा तो तुम्हें पता है डेवलपमेंट की वजह से जो कंट्री में इनबैलेंस है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, राइट। अब उसके बाद नेक्स्ट है रिडक्शन इन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, देयर इज अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। सी जब पहले बहुत सारे टैक्स था, तो तुम्हें पता है बहुत सारे टैक्सेस को संभालने के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी, और बहुत सारे लोगों को संभालने के लिए बहुत सारा काम करना पड़ता था, तो वो सारा तो खत्म हो गया। तो क्या हुआ कि सिग्निफिकेंट रिडक्शन कहाँ हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में। फिर रिडक्शन इज अ गवर्नमेंट ऑपरेशन। अब देखो तुम्हें पता है ना, जितने रूल्स उतने रेगुलेशन उतने तोड़ने वाले होते हैं, अलग अलग रूल्स को अलग अलग तरह से लोग तोड़ते हैं। जब एक ही रूल है, सीधी सी बात बोल दिया कि यहीं से जाना है, जब एक ही रास्ता है और उसी रास्ते पे से जाना है, तो गवर्नमेंट यहीं पे खड़ी है, अब इस रास्ते को तुम्हें क्रॉस करके जाना है, तो तुम्हें पता है कि जो गवर्नमेंट के काम है वो भी क्या हो गया, आसान हो गया। नहीं तो जैसे एक रास्ता यहाँ था, एक यहाँ था, एक यहाँ था, तो गवर्नमेंट कहाँ कहाँ जाके ध्यान रखती, राइट। तो ऐसे सिचुएशन में उन लोगों के लिए, जो गवर्नमेंट है उनके लिए कंट्रोल करना आसान नहीं था, लेकिन जब एक ही रास्ता बन गया, यानी इन सारे रास्ते को कैंसिल करके उन्होंने सिर्फ जीएसटी बना दिया, तो जब जीएसटी बना दिया, एक ही रास्ता बना दिया, तो कंट्रोल गवर्नमेंट का क्या हो गया, आसान हो गया, राइट। आई होप कि इतनी चीजें क्लियर है। अब उसके बाद रेट ऑफ जीएसटी के बारे में है, ये बेनिफिट था हमारा, बेनिफिट कंप्लीट हो गया। अब फाइनली है हमारा रेट। अब रेट में देखो क्या है कि सर गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है तो कितना रेट है, कैसा रेट है, तो यहाँ पे देखो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि गुड्स को डिवाइड किया है कुछ पार्ट्स में। कैसे डिवाइड किया है वो देखो, गुड्स एंड सर्विसेज आर कवर्ड अंडर वन इनडायरेक्ट टैक्सेस दैट इज नोन एज अ जीएसटी, राइट। अंडर दिस एक्ट डिफरेंट टैक्स रेट्स आर डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ नेसेसिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस। देखो गवर्नमेंट ऐसे ही डायरेक्टली टैक्स नहीं लगाती है, वो चेक करते हैं कि जो गुड्स है जिस पे टैक्स लगने वाला है वो कौन से कैटेगरी में है। जैसे जो नेसेसिटी की चीजें हैं उस पे टैक्स बहुत ही कम लगता है, लेकिन जो लग्जरियस चीजें हैं जैसे टीवी, फ्रिज, कार, ये सारी क्या लग्जरियस चीजें में मानी जाती है, तो उस पे क्या हाई टैक्स लगेगा, राइट। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, दिस टैक्सेस आर डिसाइडेड कीपिंग इन माइंड द नेचर ऑफ नीड्स from the basic needs to luxury needs, and on that basis they are deciding the tax structure, right? The range of GST rates is between 0% to 28%. यानी हमारे country में जो tax का structure है वो 0% से लेके 28% के बीच में है, यानी कुछ goods पे 0% भी tax लगता है, यानी कुछ ऐसे goods हैं जिस पे tax लगता ही नहीं है, in short, समझ में आया? आगे देखो, GST rates for intra एंड इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। अब यहाँ पे मैंने बताया इंट्रा और स्टेट, ये सारी चीजें मैंने समझा दी है, ये वर्ड्स तुम्हारे पास बार बार आएंगे, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि इंट्रा क्या है और इंटर क्या है, उसके लिए तुम्हें पूरा क्लियर नॉलेज मैंने दे दिया है।
अब इसका जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो कहाँ नोटिफाई किया गया था, 1/2017 सेंट्रल टैक्स एंड 1/2017 इंटीग्रेटेड टैक्स जैसे दैट इज IGST। तो यहाँ पे कुछ रेट्स है। अब यहाँ पे देखो टैक्स कैसे है, तो तुम्हें याद कैसे रखना है कि इंटर स्टेट यूनियन टेरिटरीज होगा जो IGST है, ठीक है। जैसे देखो टैक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है हमने, पढ़ा है एक इंटर स्टेट है, इंटर स्टेट का मतलब क्या है जिसको हम लोग बोलते हैं आउटसाइड द स्टेट, ठीक है, और एक इंट्रा स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं, विद इन बोलते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे गुजरात टू महाराष्ट्र, ठीक है, और ये गुजरात टू गुजरात, ये थोड़ा आसान होगा। तो जो भी टैक्स लगेगा, जैसे अगर गुजरात टू महाराष्ट्र है तो सीधा 5%, ठीक है, लेकिन अगर गुजरात टू गुजरात है यानी जैसे सूरत टू अहमदाबाद है तो लोग क्या करेंगे, जीएसटी यानी जो भी 5% है उस 5% को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, 2.5% जाएगा सेंट्रल वालों के पास और 2.5% जाएगा स्टेट वालों पर, यानी SGST। ये हमारा डिस्कशन हुआ शेड्यूल नंबर 1 में, और उसी तरह से शेड्यूल नंबर 2 में है 12%। तो ये जो 12% है जो IGST है उस पर तो डायरेक्टली 12% लगेगा, लेकिन जब हम बात करेंगे इंट्रा स्टेट की तो इंट्रा स्टेट में तुम्हें पता है CGST और SGST दो पार्ट है, यानी 6% जाएगा CGST के पास और 6% जाएगा SGST के पास। और सेम उसी तरह शेड्यूल नंबर 3 में चार्जेस है 18%, तो जो IGST उसमें तो पूरा ही 18% मिल जाएगा सेंट्रल को, लेकिन जब बात करेंगे विद इन स्टेट की या इंट्रा स्टेट की तो 9% जाएगा सेंट्रल के पास और 9% जाएगा स्टेट के पास। तो इस तरह से हमारा टैक्स का स्ट्रक्चर है, राइट। तो ये परसेंटेज याद रखने की जरूरत नहीं, बस ये बेसिक नॉलेज के लिए, ठीक है। तो आई होप कि इतना सारी चीजें क्लियर हो गया होगा, और इनपुट और आउटपुट क्रेडिट वाला याद रखना, वो तुम्हें बहुत काम आएगा, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा, और जो भी अगर कोई डाउट है तो डाउट से रिलेटेड क्वेश्चन तो मुझे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, और अगर वीडियो पसंद आया हो समझ में आया हो तो यू कैन लाइक द वीडियो, यू कैन शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन शो योर सपोर्ट टुवर्ड्स मी, राइट। सो इससे क्या होगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, मैं और वीडियोज अच्छे से बनाता रहूंगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, और ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहो, पढ़ते रहो और हंसते रहो, ठीक है। तो हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, ओके, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।